हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडीड आईएएस। आज बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल की, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शनल कैसे चुनना चाहिए। और क्योंकि यूपीएससी में जितने सारे एस्पिरेंट हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई मेडिकल से होता है, कोई इंजीनियरिंग से होता है, कोई डिप्लोमा से होता है, कोई जो ह्यूमैनिटिक्स बैकग्राउंड है उससे होते हैं। तो इसीलिए हमें अपना ऑप्शनल चुनना कैसे चाहिए, तो उसके लिए तीन क्राइटेरिया है। एक तो आपका जो ये डिग्री वाला जो सब्जेक्ट है आप उसको अपना ऑप्शन रख सकते हैं। दूसरा कि उसमें आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है आप वो रख सकते हैं। और ये जो तीसरा है कि अगर आपको अगर आपने वैसा टॉपिक से या वैसे सब्जेक्ट से आपने डिग्री लिया है जो इस यूपीएससी में जो ऑप्शनल के बेसिस पे जो है वो टफ हो जाएगा, और तो फिर आप स्विच कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा सिलेबस पढ़ने में या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा लगता है, और आप इसको किस टॉपिक पे आप 5-6 मंथ एटलीस्ट आप डिवोट कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि जो भी ऑप्शनल होता है मिनिमम उसमें 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं, और अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो वो 3-4 महीने तो वो पढ़ने में लग जाता है, फिर उसको रिवाइज करना होता है तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए वो आपके इंटरेस्ट का जोन होना चाहिए। और ये जो तीसरा है वो देखना है कि ये अगर आपका ये किस में ये जो टॉपिक जो आप लेना चाह रहे हैं वो जीएस पेपर जितने भी हैं, ये जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, तो किस पे सबसे ज्यादा टैली करता है और किस टॉपिक को ज्यादा कवर करता है। जैसे कि कोई भी आपको वैसा ऑप्शनल उठाना है कि जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 वो सबको भी टैली करता है, जिससे कि आपका जो जीएस पेपर तो होगा ही और जब आप ऑप्शनल करेंगे तो आपका ऑप्शनल पेपर तो कंप्लीट होगा ही, साथ के साथ आपका जीएस पेपर जो है वो भी कवर हो जाएगा। और पीएसआईआर का क्या है, तो इसका सिलेबस ऐसा है कि ये जो जीएस पेपर है और ये पीएसआई पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है वो आपस में बहुत ज्यादा कोलाइट करता है, और समवेयर ये बहुत ओवरकम करता है जीएस पे और ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो। और ये जो पॉलिटिकल साइंस अगर आपने ऑप्शनल पढ़ा और आप जीएस पढ़ते हैं तो फिर पॉलिटिकल साइंस से ही आपके जीएस का 70% कवर हो जाएगा। और वो मैं अभी आपको बताऊंगी भी कि कहाँ कहाँ से आपका जीएस टैली करता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 वो 75% कैसे कवर होगा, और एटलीस्ट 70% तो कवर होगा ही होगा। बाकी का जो रहता है वो जो जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो जीएस में अलग से कवर होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक जीएस पेपर 1 में भी है और या 2 में है या 3 में है या 4 में है। लेकिन और यहाँ पे हम लोग जब अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे तो साथ के साथ मैं आपको बताते चलूंगी। तो ये हो गया कि आपको कैसे आपका ऑप्शनल चुनना है, कि आपके कोर एरिया का एक होना चाहिए जिससे आपने डिग्री लिया है, दूसरा कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तीसरा कि अगर इंटरेस्ट और वो नहीं भी है फिर भी आप देखिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है कि आपको ये ज्यादा टैली करता है जीएस में। क्योंकि ऑप्शनल तो आपको पढ़ना ही है लेकिन जीएस जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं और सिलेबस भी वही है, तो आपको वैसा ऑप्शनल देखना ही है जो उसको भी टच करता है। जैसे आई हैव चूज पीएसआईआर एज ऑप्शनल बिकॉज ये ज्यादा टैली कर रहा था, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए ये जो मेडिकल बैकग्राउंड का था तो वो टॉपिक उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं था। अगर मैं मेडिकल साइंस भी लेती तो उसके लिए मुझे अलग से पढ़ना पड़ता, और जीएस पेपर और जो 1, 2, 3, 4 है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए जो ह्यूमैनिटिक्स है तो ह्यूमैनिटिक्स बिल्कुल न्यू टॉपिक था। इसीलिए मैंने ये जो पीएसआईआर एज ऑप्शनल चुना कि इसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 ये सारा टैली करता है। तो अगर मैंने ये जो पॉलिटिकल साइंस है और ऑप्शनल अच्छे से पढ़ा तो मेरा जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 ये भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और वो मैं आपको बताती चलूंगी कि कहाँ से क्या कवर होगा। तो चलिए ये जो है पीएसआईआर का और ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये अगर ये थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन हाँ इसमें क्या है कि
ये जो 70% आपका जीएस का भी कवर हो जाएगा, और ये मोस्ट रेटेड है, और ज्यादातर बच्चे इसी को लेते हैं क्योंकि ये इससे कन्वीनियंस हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि ये कन्वीनियंस क्यों है और ये जीएस पेपर कैसे कवर करता है। तो चलिए ये जो सिलेबस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है पेपर वन, पेपर वन में भी ये दो सेक्शन है। सेक्शन ए, जैसे कि हर ऑप्शनल में पेपर वन होता है और पेपर टू होता है, और वो 500 मार्क्स का आता है, और पेपर वन 250 मार्क्स का होता है, और पेपर टू भी ये जो 250 मार्क्स का होता है। और उस और इसमें जो है पेपर वन है और पेपर टू है, लेकिन इसमें सेक्शन ए भी है और ये सेक्शन बी भी है। तो हम लोग देखते हैं, और ये जो है ये सेक्शन ए है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है एंड इंडियन पॉलिटिक्स, वो देखेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है और मीनिंग एंड अप्रोचेस, तो ये देखेंगे कि ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होते हैं और अप्रोचेस क्या होते हैं, तो मैं इसमें बताऊंगी। और जो वैल्यू एडिशन करना है, वैसे तो मैंने इसमें जो है ये 2-3 रिसोर्सेस से मिला के कंसोलिडेट किया है इस PSIR को। तो मैं इसमें सारा टॉपिक बाय टॉपिक बताते चलूंगी और पढ़ाऊंगी मैं, तो वो सारा ही एक टॉपिक को मैंने 2-3 जगह से कंसोलिडेट किया है। तो सारा जितने भी रेलिवेंट है पॉइंट और रिलेवेंट टॉपिक है वो सब अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। और वैल्यू एडिशन कहाँ से करेंगे, ये जो इग्नू का मटेरियल होता है आप वहां से कर सकते हैं। और जैसे कि और ये है, अभी पहले क्या था कि जो जितने भी PYQ हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो पहले जो PSIR का जो ज्यादा इंक्लिनेशन रहता था ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे रहता था, तो WPT से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, ये सारा जो है ना ये UPSC का मेंस वास्ट हो गया है और ये सारे टॉपिक को कवर करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप WPT को कवर कर लेंगे अच्छे से, अगर बाकी कुछ टॉपिक को छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी जो है ना रिसेंटली, एक तो 2013 से ये अभी तक जो सिलेबस चेंज हुआ ही है, लेकिन जो मेजरली जो टर्न आया है वो 2017 से आया है। तो उससे क्या है, ये डाइवर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर टॉपिक को उठा रहे हैं, मतलब हर टॉपिक से दो 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 क्वेश्चन वो पूछते हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले एक ही टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, तो एस्पिरेंट है या बच्चे वो उसी टॉपिक को ज्यादा इम्फेसाइज करते थे, उसी टॉपिक को ज्यादा पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपको सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी मीनिंग क्या है ना, अप्रोचेस क्या है। और ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये आपके जो पॉलिटी में भी पढ़ना है, ये पॉलिटी होता क्या है, उसकी थ्योरीज क्या क्या है, किस टाइप के होते हैं, तो ये वहां से जीएस पेपर टू से टैली करता है। फिर देखेंगे ये थ्योरीज ऑफ स्टेट, कि थ्योरीज ऑफ स्टेट कैसे होने चाहिए, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट और प्लुरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट। तो ये जो है ना जानेंगे कि लिबरल क्या होते हैं, न्यू लिबरल क्या होते हैं, मार्क्सिस्ट कैसे होते हैं, और ये जो प्लुरलिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, पोस्ट कॉलोनियल कैसे होते हैं, उन्होंने क्या आइडियोलॉजी अपनाई थी, और जो फेमिनिस्ट वो कैसे होते हैं। फिर देखेंगे जस्टिस, जस्टिस में कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। तो ये भी जो है जस्टिस, ये प्रियम्बल जीएस पेपर टू में पढ़ना है, और ये प्रियम्बल में भी है, और फिर ये फंडामेंटल राइट्स में भी है एंड DPSP में भी है। तो ये सारी जगह ये टैली करता है। और इसमें ये हम लोग देखेंगे ये जो रॉल्स थ्योरी है, तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना वो इन्होंने, जो जॉन रॉल्स है उन्होंने दिया था, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने दो इम्पोर्टेंट जो वैलिड पॉइंट थे इनके वो दिया था, ओरिजिन ऑफ पोजिशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो ओरिजिनल पोजिशन है, और उसके बाद इन्होंने दिया था ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर ये जो जस्टिस है, ये आपका जो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो ये हम लोग को ये एथिक्स में भी पढ़ना है, और एथिक्स जीएस पेपर 4 भी ये कवर करता है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो ये जो कवर करेगा जीएस पेपर 4 का टॉपिक।
और देखते हैं इक्वालिटी। तो इक्वालिटी ये जो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी के, और जो आर्टिकल जो बहुत सारे आर्टिकल्स को कवर करता है, जो 14 to 18 जो आर्टिकल है वो कवर करता है। और उसमें देखेंगे कि ये जो इक्वालिटी है वो कैसा होना चाहिए, जैसे सोशल सोशली इक्वालिटी मिलना चाहिए, पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक, और रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम वो क्या रिलेशन है। और फिर देखेंगे जो अफर्मेटिव एक्शन है वो क्या होता है, फिर देखेंगे राइट्स क्या होते हैं, तो उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ राइट कैसा होता है कि कितने टाइप के होते हैं, और कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये जो है, और ये जो फंडामेंटल राइट में तो हम पढ़ते ही हैं, और ये भी पॉलिटी में आता है, और ये जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट है कि ये जो ह्यूमन राइट कैसे मिलना चाहिए, उसका क्या इंस्टीट्यूशन है, कौन हमें प्रोवाइड करता है ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स में हमें क्या क्या मिलता है। और ये देखेंगे डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज और डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसीज, जैसे रिप्रेजेंटेटिव हो गया, पार्टिसिपेटरी हो गया एंड डेलिबरेटिव हो गया। और ये भी देखेंगे जो इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव है, पार्टिसिपेटरी है, डेलिबरेटिव है, और अदर कंट्रीज कौन सी डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। और उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर में हेजमनी हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, लेजिटिमेसी हो गया, कि कैसे है ना हेजमनी के थ्रू हम लोग पावर को गेन कर सकते हैं, कैसे आइडियोलॉजी के थ्रू पावर गेन किया जाता है, लेजिटिमेसी के थ्रू वो पावर कैसे गेन करते हैं, जैसे जितने भी रशियन थे, और जैसे हिस्टर जो हिटलर था उसका वो फासिज्म अपनाता था वो पावर और हेजमनी को गेन करने के लिए, और वही जो महात्मा गांधी थे उनकी आइडियोलॉजी थी कि वो ये अपना पावर उन्होंने गेन किया और आजादी दिलवाई, वो जो नॉन वायलेंस पे ज्यादा इम्फेसाइज करते थे, तो उनकी आइडियोलॉजी थी कि वो नॉन वायलेंस ज्यादा अपनाते थे। और देखते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कि ये कैसे होते हैं, जैसे लिबरलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में क्या होता है, मार्क्सिज्म में क्या होता है, फासिज्म में कैसा होता है, गांधीज्म की भी आइडियोलॉजीज हम लोग देखेंगे, फिर फेमिनिज्म, ये जो फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी वो कैसी होती है। तो एक मिसकंसेप्शन है कि जितने भी वेमेन होते हैं या वेमेन से रिलेटेड राइट जो है वही सिर्फ फेमिनिज्म में आता है, तो ऐसा नहीं है, फेमिनिज्म में बहुत कुछ आता है। तो जब हम लोग ये फेमिनिज्म टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर वो अच्छे से क्लियर होगा। और फिर देखेंगे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जो इंडियन ओरिजिन जो फिलोसफर है उन्होंने क्या क्या दिया और क्या क्या बताया, जैसे धर्म शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, सर सैयद अहमद खान हो गए, या फिर श्री अरबिंदो और एम के गांधी एंड बी आर अम्बेडकर और एम एन रॉय। तो कि देखेंगे कि ये जो धर्मशास्त्र है उसमें क्या बताया गया है, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का उसमें क्या बताया गया है, और उनके थॉट्स क्या थे उस समय, जो परसेप्शन क्या था, वो सोचते क्या थे, और उन्होंने ऐसा क्या ऐसा लिखा जो अभी तक चला आ रहा है और वो सही साबित हुआ, ये इतने ज्यादा इयर्स बैक में जो उन्होंने लिखा था वो अभी तक क्यों रेलेवेंट है, ये भी पढ़ेंगे। जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य का है, फिर जो बुद्धिज्म का जो ट्रेडिशन था जो बुद्धा ने दिया है हम वो भी देखेंगे, और सर सैयद अहमद खान जो उस समय बाकी लोग जो रिलीजन और जो रिलीजियस फाइट करते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान उन्होंने एम्फेसाइज किया इक्वालिटी पे, और उन्होंने ये भी बताया कि ये कैसे एजुकेशन को वो एजुकेशन गेन करके हम लोग सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो कंसेप्ट ऑफ पावर है, और ये जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये समवेयर आपको GS2 में तो पढ़ना ही है, और उसके बाद ये जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है तो ये जो है PSIR में भी आ रहा है, और आपको GS Paper 1 में भी आएगा, जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी आता है। और ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देखते हैं, ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल है, माकियावेली है, हॉब्स है, लॉक है, जॉन एस रॉल्स, और ये जो मार्क्स है, ग्राम्सी हो गया, है ना, आरेंट हो गए, तो ये सारा कुछ जो है हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है, और यहाँ पे तो पढ़ेंगे ही PSIR में, लेकिन ये जितने भी थ्योरीज है वो एथिक्स पेपर 4 में भी पढ़ना है।
तो ये दोनों जगह कवर होगा। अगर यहाँ पढ़ लिए तो एथिक्स पेपर 4 में जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे ये हॉब्स ने क्या, हॉब्स की क्या आइडियोलॉजी थी, हॉब्स किस पे एम्फेसाइज करता था, माकियावेली किस पे एम्फेसाइज करते थे, ये जो प्लेटो है वो आइडियलिस्ट थे और किस पे एम्फेसाइज करते थे, तो ये सारी चीजें वहां पे उतना दिक्कत नहीं होगा जब यहाँ पढ़ लेंगे। तो फिर अब आते हैं ये जो सेक्शन बी है, तो ये पेपर 1 का ही, उसमें क्या क्या है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है और पॉलिटिक्स है तो वो देखते हैं, जैसे इंडियन नेशनलिज्म। अब ये जो इंडियन नेशनलिज्म है कि इंडिया का नेशन कैसा है और वो कौन सी नेशनलिज्म को फॉलो करता है, तो उसमें देखेंगे जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और पीसेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ये PSIR में तो पढ़ेंगे ही डिटेल से, लेकिन ये डिटेल में GS पेपर 1 जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी पढ़ना है। और उसके बाद देखेंगे जो पर्सपेक्टिव क्या था ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट किया गया तो वो उसके पीछे की विचारधारा क्या थी, उन्होंने सोचा क्या था कि जब ये मूवमेंट हम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा, और उन्होंने किस माइंडसेट से ये जो नेशनल मूवमेंट बनाया था। तो जैसे लिबरल हो गए, सोशलिस्ट हो गए, मार्क्सिस्ट हो गए और रेडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित, तो इतने सारे जो मूवमेंट हुए थे कि ये जो लिबरल का मूवमेंट था, फिर सोशलिस्ट का था, मार्क्सिस्ट का मूवमेंट था और ये जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट और दलित मूवमेंट था, तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और ये सारा कुछ यहाँ भी पढ़ना है और GS पेपर 1 में भी पढ़ना है, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में। और ये जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और ये जो लेगेसीज है ब्रिटिश रूल की वो कैसी थी, और डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, और ये जो सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे। और ये भी है ना, ये जो है ना मेंस का टॉपिक है GS पेपर 2 का, ये मेंस में का टॉपिक है, तो यहाँ से भी कवर हो रहा है और GS पेपर 2 में भी, अगर यहाँ पढ़ लिए तो फिर वहां इजी हो जाएगा। फिर देखेंगे सेलियंट फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये जैसे कि और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीड्योर, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, तो ये सारा कुछ तो यहाँ पढ़ना ही है, लेकिन ये पूरा जो GS पेपर 2 में भी पढ़ना है और ये पॉलिटी में। और जब हम लोग NCERT पढ़ेंगे तो NCERT में भी ये दिया हुआ है, और फिर उसके बाद जो इसकी स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत में भी ये जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें 1 to 10, ये जो है ये यूनिट 1 में जो है First 1 to 11 जो ये जो है चैप्टर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, कि ये जो प्रियम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या है, तो ये सारा कुछ। और देखते हैं उसके बाद ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का, वो कैसे, इसका रोल क्या है और ये जो एक्चुअल वर्क कैसे करता है, और फिर ये देखेंगे एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, और सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है, और ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, और इसमें जैसे कि यूनियन में आ गए ये प्रेसिडेंट हो गए और प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर अटॉर्नी जनरल हो गए, फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो ये सारे कुछ। और प्लस देखेंगे कि कौन एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूटिव का कैसे रोल होता है, जैसे लेजिस्लेचर वो रूल बनाने का काम करते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव ये रोल इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो रूल बनता है और जो एग्जीक्यूट होता है उसको वो सही बना है या नहीं तो वो चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तो ये जो तीनों है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो ये तीनों चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, जो DPSP में आर्टिकल जो 50 है, तो आर्टिकल 50 में उन्होंने ये चेक्स एंड बैलेंस और सेग्रीगेशन ऑफ पावर दिया हुआ है, तो उसमें मेंटेन है, उससे ये लोग मेंटेन करते हैं ये जो सेग्रीगेशन ऑफ पावर, तो और एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है प्रिंसिपल ऑर्गन, जैसे वहां पे
गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट हो गए, फिर उसके बाद जो एडवोकेट है, फिर उसके बाद देखेंगे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट, कि ये जो लेजिस्लेचर जो जो सीएम वहां पे रूल बनाते हैं या फिर जो वहां के जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो वो जो रूल बनाते हैं और फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो कैसे वो फॉलो करते हैं और फिर जो हाई कोर्ट है वो कैसे काम करता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है और ये सारा कुछ ये जो है वो सारा कुछ जीएस पेपर 2 में आता है पॉलिटी में। और ये जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जैसे कि पंचायती राज, म्यूनिसिपालिटी गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस क्या है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, और ये जो ग्रास रूट पे कैसे काम करते हैं, ग्रास रूट कहने का मतलब कि ये जो ये कोर एरिया पे और ये थर्ड टायर है तो ये कैसे काम करता है। और ये जो पंचायती राज है, ये जो पंचायती राज वो शेड्यूल, वो शेड्यूल 11 में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और ये जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, वो शेड्यूल 12 में मेंशन है। और ये भी देखेंगे ये जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 का, तो फिर ये कैसे काम करता है। और ये जो ग्रास रूट कहने का मतलब कि जो पंचायत है वो सबसे ये जो जो बेसिक है, जो गांव, ये ब्लॉक लेवल पे ये सारी चीजों पे काम करता है, इसीलिए इसको ग्रास रूट मूवमेंट कह रहे हैं। और फिर देखेंगे ये जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, जो बनाया गया है, जो कमीशन बनाई गई है, वो कैसे काम करती है। और ये जो कमीशन है उसमें दो टाइप के कमीशन होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और एक तीसरा भी है जो स्टैट्यूटरी है। तो स्टैट्यूटरी जो है एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूशन के थ्रू बनता है, जो भी रूलिंग पार्टी है और गवर्नमेंट में वो बनाते हैं। और ये भी देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है कैसे काम करती हैं और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कैसे काम करती हैं। और ये सारा कुछ ऑल ये है ना जीएस पेपर 2 में आता है पॉलिटी में। और फिर उसके बाद ये देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैसे काम करता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट करने का काम करती है, जो आर्टिकल 324 में आता है। और ये जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो जितने हमारी कंट्री का या फिर किसी भी कंट्री का ऑडिट निकालने का काम करती है, और पूरा जो भी ये जो वैल्यू है, रेवेन्यू है, उसको देख रेख करने का काम करती है। और ये जो दिया हुआ है आर्टिकल 148 to 151 में दिया हुआ है, तो ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 में आता है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फिर क्या है, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो ये भी देखेंगे कि ये कहाँ पे मेंशन है और ये कहाँ पे आता है। तो इसका सारा कुछ दिया हुआ है 312 आर्टिकल में। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और अभी ये न्यूज में भी है क्योंकि बहुत सारी कंट्री रिजर्वेशन बिल ला रही है, और इसके लिए ये जितने भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या ओबीसी है, तो उन सबका ये जो वो सीट बढ़ाया जा रहा है। तो जितने जैसे कि बिहार अभी लाया है, फिर उसके बाद उससे पहले हरियाणा ने लाने की बात की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर राजस्थान में भी, ये महाराष्ट्र में भी अभी बात चल रही है, राजस्थान भी लाने की बात कर रहा है। तो ये सारे स्टेट इसीलिए ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जेएनके का रिजर्वेशन बिल भी आया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीट अलॉट की गई है। और उसके बाद ये जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है वो कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की क्या होता है, और नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल भी है तो वो क्या क्या काम करती है वो मैंने अभी, जो विजन मंथली मैगजीन है अक्टूबर का, तो वो आईआर के पार्ट 3 में कवर किया है। तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं कि वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या इंस्टीट्यूशन होता है, कौन कौन सी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो सब कवर करेंगे। फिर ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, तो उनके लिए कौन सी कमीशन बनाई गई है। फिर ये देखेंगे नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, कि ये जो ओबीसी है तो ओबीसी में भी अभी वो बहुत सारा वो डिफाइन कर दिया है कि क्रीमी लेयर क्या होता है, फिर ये नॉन क्रीमी लेयर क्या होते हैं, फिर ये सारा कुछ भी देखेंगे। फिर और ये सारा कुछ जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया है वो सब पॉलिटी में आता है, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री में।
फिर देखेंगे जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया है, और ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और ये जो फेडरलिज्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे हैं और कैसे आगे काम करना चाहिए वो दिखाता है। फिर और इंट्रा इंटीग्रेशनिस्ट और टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशंस वो दिखाता है। और ये जो इंटर और स्टेट का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी है ना इसी में मेंशन किया जाता है। और ये जो है, और ये सबसे, ये जो फेडरलिज्म है ये सबसे पहले आया कहाँ से था, ये डीपीएसपी से आया था, तो डीपीएसपी से ही इसका ओरिजिन हुआ है। फिर उसके बाद इसको अलग जो फेडरलिज्म और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अलग आर्टिकल और अलग एक टॉपिक ही बनाया गया। फिर उसके बाद देखते हैं प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें ये प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे ये नेहरूवियन होना चाहिए या फिर गांधियन होना चाहिए, क्योंकि नेहरू जो है हमेशा ये जो अर्बन के लिए ज्यादा एम्फेसाइज करते थे, और जो गांधी है वो हमेशा रूरल के लिए, वो कहते थे कि बैक टू द विलेज, अगर विलेज अच्छा होगा तो फिर शहर अच्छा होगा ही होगा। लेकिन ये जो नेहरू है हमेशा इंडस्ट्री की तरफ है ना उनका इंक्लिनेशन रहता था, तो ये देखेंगे। और रोल ऑफ प्लानिंग ये कैसा होना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर फिर देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड फॉर्म्स, एग्रेरियन रिलेशन, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये जो है ये जीएस पेपर 3 में आता है, ये जो है ये पोर्शन, जैसे ये प्लानिंग हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और उसके बाद ये जैसे ये लैंड फॉर्म्स हो गया, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, फिर एग्रेरियन रिलेशन हो गया, तो ये जो है इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इन्वायरमेंट में तो पढ़ेंगे ही समवेयर हम लोग, प्लस ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, और ये जो पीएसआईआर में तो पढ़ना ही है। फिर उसके बाद देखेंगे कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये कास्ट का की क्या रोल है, रिलीजन का क्या रोल है, और जो एथनिसिटी है कि एथिक्स का क्या रोल है, और वो कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है वो भी देखेंगे। पार्टी सिस्टम देखेंगे कि नेशनल है या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर आइडियोलॉजिकल एंड सोशल ये जो बेस है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि कौन सा वो एजेंडा है ना यूज करती हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा बढ़ाने के लिए। फिर पैटर्न क्या है कोलिशन का, कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मर्ज हो जाती हैं और कोलाइड हो जाती हैं, तो उनका क्या प्रोसीड्योर है। फिर देखेंगे जो प्रेशर ग्रुप है वो कैसे काम करती है। फिर ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, कि ये जो इलेक्शन का बिहेवियर कैसा है। फिर चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेचर, तो उनका प्रोफाइल कैसे चेंज हो रहा है। फिर देखेंगे सोशल मूवमेंट, और ये सारा कुछ जो है, ये जो कास्ट है, रिलीजन वाला टॉपिक, ये सोसाइटी में आ जाता है। और ये जो सोसाइटी, ये जीएस पेपर 1 में, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये जीएस पेपर 2 में, और ये गवर्नेंस का पार्ट है। और फिर ये जो सोशल मूवमेंट, तो बात करते हैं सोशल मूवमेंट में कैसे सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, जैसे वेमेन का क्या मूवमेंट था, इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या मूवमेंट था, जैसे एक था कि चिपको मूवमेंट है, फिर ये सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का मूवमेंट है, फिर वेमेन ने बहुत सारे मूवमेंट की हैं उनके लिए जो भी है, तो जो भी मूवमेंट है, तो ये जैसे कि ये सोसाइटी का भी पार्ट हो गया, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, और ये हमें पीएसआईआर में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब चलते हैं पेपर 2 पे। तो ये हमने पेपर 1 और पेपर 1 का सेक्शन A और सेक्शन B कवर किया है, और अब बात करते हैं पेपर 2 की, कि पेपर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें देखेंगे कि ये जो सेक्शन A है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस हो गया, एंड ये जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गया। तो ये सारा कुछ हमें देखना है। अब देखेंगे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कि ये जो पॉलिटिक्स को कंपेयर करेंगे इंडिया से और अदर कंट्रीज है वहां का क्या पॉलिटिक्स चलता है, फिर उसका नेचर क्या है, मेजर अप्रोचेस क्या है, और ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव है, कि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्या है, वो कैसे खर्च कर रही है, कैसे स्कीम बना रही है, कैसे उनका रूल रेगुलेशन चल रहा है, कितना फंड अलॉट कर रही है, और आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी पे काम करती हैं, और लिमिटेशन क्या है कंपैरेटिव मेथड का, तो ये भी देखेंगे। और ये जो है जीएस पेपर 2 में आता है।
फिर स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव कि स्टेट का क्या रोल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और जो चेंजिंग नेचर है स्टेट का, कैपिटलिस्ट के टुवर्ड्स, सोशलिस्ट के टुवर्ड्स, इकोनॉमीज के टुवर्ड्स, और ये जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी है वो, तो ये जीएस, ये पीएसआईआर में तो आता ही है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में भी आता है। और ये जो हो गया पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, एंड सोशल मूवमेंट हो गया, एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियल एंड जो डेवलपिंग सोसाइटीज है वो, तो ये सारा देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, तो ये तो है ना, एक तो ये जीएस पेपर से कोलाइड करता ही है, लेकिन ये जो पीएसआईआर का है ये आपस में भी कोलाइड करता है। जैसे अभी हमने ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, ये जीएस, और ये पेपर वन में भी पढ़ा है, तो ये पेपर वन से, तो अगर हम लोग पेपर वन में पढ़ लिया अच्छे से, तो ये पेपर टू में ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने अभी बताया है कि ये सारा गवर्नेंस का पार्ट है जीएस पेपर टू का। और फिर ये, जैसे अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, ये उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए, डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटीज है तो उनका क्या रिस्पांस है, और ये जो है जीएस पेपर थ्री में भी आता है और पीएसआईआर में तो आता ही है, और ये जो है सोसाइटी में भी आता है और सोशल इश्यूज में भी आता है, तो ये सारी जगह पे ये जो है ग्लोबलाइजेशन वो टैली करता है। अब देखते हैं अप्रोचेस क्या होने चाहिए, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कि उनका कैसा अप्रोच होना चाहिए, कि वो आइडियलिस्ट हो, रियलिस्ट हो, मार्क्सिस्ट हो, फंक्शनलिस्ट हो, और सिस्टम थ्योरी, तो ये सारा कुछ, ये तो पेपर वन में अभी हमने पढ़ा ही, तो ये जो है ये पीएसआईआर के तो वहां तो टैली कर ही रहा है। साथ में ये जैसे आइडियलिस्ट, मार्क्सिस्ट है, और ये सारा कुछ जीएस जीएस के सोशल इश्यूज में आता है, तो ये जो है वहां भी कवर होगा। फिर देखते हैं की कंसेप्ट क्या है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो ये की कंसेप्ट हो गया कि नेशनल इंटरेस्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, पावर हो गया, बैलेंस ऑफ पावर एंड डेटरेंस, तो ये सारा। और ये जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं, या कलेक्टिव सिक्योरिटी, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये सारे टॉपिक जो है पीएसआईआर में भी आ रहा है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आएगा, और ये जैसे कुछ टॉपिक जो है, और जैसे बैलेंस ऑफ पावर है, सिक्योरिटी, और ये जीएस पेपर टू के इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, और तो ये सारी जगह पे इतना ये टैली कर रहा है। पर देखेंगे चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर का ये जो चेंजेस आया है वो कैसे आया है, तो इसमें क्या क्या, ये किन चीजों ने ये चेंज करने में ज्यादा रोल निभाया है, तो वो है ये जो राइज ऑफ सुपर पावर, कि कैसे एक कंट्री पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रही है, और ये भी देखेंगे कि सुपर पावर का क्या, कैसे राइज हुआ और कैसे बना, फिर उनकी स्ट्रेटेजी एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी क्या थी, आर्म रेस क्या था, कोल्ड वॉर क्या था, और न्यूक्लियर थ्रेट क्या था। फिर ये जैसे कि अभी जो है सुपर पावर यूएसए को माना जाता है, और फिर उस देखेंगे कि कोई भी अगर सुपर पावर है तो आइडियोलॉजी क्या थी, और ये जो आर्म रेस अभी चला गया है, अभी ये चल रहा है कि ये जो आर्म रेस है, सब लोग अपने मिसाइल, टेक्नोलॉजी और वेपन्स बनाने में आगे दौड़ रही हैं, कि कैसे हम हेजमनी क्रिएट करें। और ये भी देखेंगे जो कोल्ड वॉर हुआ था रशिया और यूएसए के बीच में, तो वो कैसे हुआ था, और वो कैसे बिल्ट अप हुआ, और कैसे ये खत्म हुआ कोल्ड वॉर, और फिर ये न्यूक्लियर थ्रेट, अभी ये जो मोस्टली कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रही है, तो उसकी वजह से थ्रेट क्या क्या है। फिर ये देखेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, फिर एम्स एंड अचीवमेंट क्या है उसका, ये नॉन अलाइन मूवमेंट ये बना क्यों, और इसका एम क्या था, और इसने अचीव क्या किया, ये भी देखेंगे। फिर ये देखेंगे कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, कि जब ये सोवियत यूनियन जो पहले था बहुत सारी कंट्री, और वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो फिर वो कैसे काम करता था, तो फिर उसके बाद ये भी देखेंगे। फिर यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजमनी वो कैसे क्रिएट हुई, वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, और ये जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में ये जो नॉन अलाइनमेंट का ये जो रेलेवेंस कैसा है वो भी। और फिर देखेंगे ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये जो इवोल्यूशन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, ये कैसे बिल्ट अप हुआ, कि कैसे हम लोग ये इकोनॉमी पे इतना एम्फेसाइज करने लगे, और वो भी देखेंगे। फ्रॉम ब्रिटेन वुड्स टू WTO, और ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज कैसे थे, और ये जो CMEA है, ये काउंसिल ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस है, वो कैसे बिल्टअप हुआ, और ये थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और ये जो थर्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं,
और उनकी ये डिमांड की डिमांड क्या क्या है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ये जो है ना बनने में, और कैसे वो लोग इकोनॉमी को राइज कर रहे हैं, फिर ये जो ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये कैसे बिल्टअप हुआ, तो ये सारा कुछ PSIR में भी आ रहा है और ये GS Paper 3 में भी आएगा। और ये ऊपर में जितने भी मैंने ये सारा जो टर्म बताया है यहां से लेकर यहां तक, ये सारा कुछ यहाँ तो है PSIR में, लेकिन ये GS Paper 2 के IR में भी पूरा पढ़ना है। और फिर देखते हैं ये यूनाइटेड नेशन के बारे में कि यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है, इसका एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है, और इसमें जो स्पेशलाइज्ड यूएन की एजेंसीज है उसका काम क्या क्या है, जैसे यूएन की एजेंसीज हो गई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, और भी बहुत सारे एजेंसीज है, तो वो काम कैसे करती है, उनका एम क्या है, फंक्शनिंग क्या है, और ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई हमें, तो ये कैसे ये बना वो भी देखेंगे। अब ये रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जो रीजन जो है जैसे EU हो गया, यूरोपियन यूनियन, आशियान हो गया, एपेक हो गया, फिर आर्क हो गया, नाफ्टा हो गया, फिर ये सारी चीजें ना बनी कैसे और ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ ये भी देखेंगे कि ये यूरोपियन यूनियन कैसे बनी, फिर ये जो नॉर्थ अफ्रीकन है, नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, तो वो सारा कुछ देखेंगे। अब देखते हैं ये जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न है कि ये सारा कुछ होने के बाद ये कंसर्न जो राइज हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, जैसे ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टूरिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि ये जो बहुत सारी कंट्रीज जो पहले डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, अब वो लोग खुद का वो जो है ना रूल बनाते हैं हेजमनी क्रिएट हो जाने के बाद, और ह्यूमन राइट का क्या क्या वॉयलेशन ये हो रहा है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, फिर ये जो जेंडर पे क्या असर पड़ रहा है उसके, और जेंडर जस्टिस टेररिज्म देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कि ये जो न्यूक्लियर जो सारे जो कंट्रीज है ना उस रेस में दौड़ रही है कि सब लोग है ना न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करें और ये जो न्यूक्लियर पावर बनाए, तो वो उसका जो क्या है मकसद और वो एम क्या है वो भी देखेंगे। आप चलते हैं Paper 2 पे, तो ये जो सेक्शन बी है Paper 2 के सेक्शन बी में अब बात करते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड की, और ये जो है ये सारा कुछ जो है यहां से यहां तक ये PSIR में तो पढ़ना ही है, लेकिन ये जो IR का सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन जो GS Paper 2 है वहां भी पढ़ना है। तो अब चलते हैं ये जो इंडिया एंड द वर्ल्ड उसको देखते हैं कि ये जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, जो यहाँ का डायस्पोरा है वो कैसे काम करता है और उसके डिटरमिनेंट्स कैसे हैं फॉरेन पॉलिसी के, कि ज्योग्राफिकल हो गया, रीजनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, तो वो कैसे ये काम करता है, फिर ये जो इंस्टीट्यूशन बना है पॉलिसी मेकिंग का तो वो कैसे काम करता है, फिर कंटिन्यूटी एंड चेंज कि उसमें क्या क्या कंटिन्यू रखा गया है और क्या क्या चेंज लाया गया है वो भी देखेंगे। फिर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइन मूवमेंट है, और ये जो है ना नॉन अलाइन मूवमेंट जब बना था तो इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूट रहा था, और ये जो डिफरेंट फेजेस में कि जब ये बना तब कैसा था, फिर उसके बाद जो ईयर वाइज इसका जो भी फेज बना तो उसमें कैसा रोल रहा इसका वो भी देखेंगे, और अभी जो करंट रोल इसका क्या है वो भी देखेंगे। अब इंडिया एंड साउथ एशिया जो है वो रीजनल कोऑपरेशन है सार्क का, जो पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो देखेंगे, क्योंकि अभी ये सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि एक दो वजह से लुकिस्ट पॉलिसी, तो ये लुकिस्ट पॉलिसी के कारण, और जो नेबरहुड पॉलिसी है कि फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी कि पहले अपने नेबर्स को ज्यादा प्रोवाइड ज्यादा इंफेसाइज करना, ज्यादा प्रायोरिटी देना वो सारी चीजों से, और उसमें क्या क्या है ये जो रीजनल कोऑपरेशन तो हमने देख लिया, फिर साउथ एशिया एज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो साउथ एशिया के साथ जितने भी ट्रेड हो रही है वो फ्री ट्रेड एरिया के तहत हो रहा है, फिर इंडियाज लुकेस्ट पॉलिसी, तो जितने भी ईस्ट के, जो इंडिया के ईस्ट, इसको ईस्ट क्यों बोला जा रहा है, जो इंडिया का जो है इंडिया से रिलेटेड जितने भी हैं जो ईस्ट साइड में पड़ते हैं, जो भी कंट्रीज इधर आती हैं उसी लिए इसको इंडिया ईस्ट पॉलिसी बोल रहे हैं, और ये सारा कुछ ये जो ये IR में आता है और पॉलिटी में आता है, जैसे नहीं PSIR में आता है, और ये जो GS Paper 2 के ये जो IR का सेक्शन है पूरा, फिर उसके बाद ये जो इम्पेडिमेंट्स है टू रीजनल एंड कोऑपरेशन कि कैसे कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद देखेंगे रिवर वाटर डिस्प्यूट से, और इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और इंसर्जेंसीज क्या है, और देखेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या चल रहा है किसके किसके बीच, जैसे अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के साथ,
और ये और फिर उसके बाद चल रहा है इंडिया वर्सेस और ये नेपाल के साथ, फिर ये जो है और ये सारी जगह पे, फिर ये जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है एक दूसरे कंट्री के साथ कौन कौन सा, जैसे इंडिया और नेपाल का जो काली रिवर है उसको लेकर के चल रहा है कि कैसे इंडिया और नेपाल है ना वो काली रिवर जो अपना, क्योंकि काली रिवर है ना वो अपना जो हमेशा एंगल चेंज करती है और वो ज्यादा फ्लड आने पे या पानी ज्यादा हो जाने पे वो जो अपना है ना वो जगह चेंज करती है, इस वजह से डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि कौन सी जो टेरिटरी है और जगह वो इंडिया में आ रही है कौन सी नेपाल में आ रही है, तो वो हो गया। और ये देखेंगे इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, तो जितने भी म्यांमार हो गए ये, फिर या फिर ये जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेट एंटर कर जाते हैं आसाम में, तो इसीलिए ये जो CAA बना था ये जो तो उसी के लिए ये लाया गया था, और कि वहां पे जितने भी जो वहां के जो रहने वाले सिटीजन है उनको वहां पे रखा जाएगा, और जो उन जो इलीगल जो क्रॉस माइग्रेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग जो प्रोविजन बनाएगा। और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि कैसे वहां पे जो एथिक्स का जो वर्ड हो रहा है कि कैसे कल्चर चेंज होता है, और फिर उसके बाद देखेंगे जो इंसर्जेंसीज है कि कैसे वहां पे कोई ये जो कंट्री है उस पे अदर कंट्री कैसे उस पे कब्जा कर लेती है या कूप कर लेती है, तो वो देखेंगे, और ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है वो भी। फिर उसके बाद देखते हैं इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, कि इंडिया का ग्लोबल साउथ के साथ कैसा रिलेशन है, जैसे कि रिलेशन विद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये जो लैटिन अमेरिका है वो साउथ अमेरिका को बोल रहे हैं। फिर लीडरशिप रोल इन डिमांड ऑफ NIEO, कि उनका ये जो डिमांड कैसा था। फिर उसके बाद देखेंगे ये जो WTO का नेगोशिएशन है वो कैसे, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नेगोशिएशन है। फिर इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर, कि USA के साथ कैसा रिलेशन है, EU के साथ कैसा रिलेशन है, जापान के साथ कैसा रिलेशन है, चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, रशिया के साथ कैसा रिलेशन है, तो ये सब भी देखेंगे। और इंडिया एंड UN सिस्टम कि रोल क्या है यूएन का पीस कीपिंग में, कि कैसे वो शांति बढ़ाने का काम करता है, और उसका क्या क्या उसके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाई है। फिर डिमांड क्या है, परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडिया जो चाहता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो जाए। और ये जो है, और बहुत सारे कंट्रीज ये भी डिमांड कर रही है कि ये जो UNSC है उसमें चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि वहां पे जो प्रोटोकॉल है उसमें चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि जब से वो बना है तब से वो सेम ही है, तो इसीलिए। फिर इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर कंट्री बन गई है तो उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है, और फिर उसकी वजह से जब पहले इंडिया जो न्यूक्लियर कंट्री नहीं थी तब बाकी कंट्रीज का कैसा रिलेशन था, और अब जब इंडिया इतना राइज कर रहा है और इतना ग्लोबली वो इन्हांस कर रहा है और ये न्यूक्लियर कंट्री भी है, तो ये बाकी जो कंट्री के साथ है इसका क्या परसेप्शन चेंज हुआ है वो देखेंगे, और उसकी वजह से जो पॉलिसी में क्या चेंजेस आई है वो भी देखेंगे। तो ये जो है चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसी। फिर ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो वो कैसा हुआ है, जैसे इंडियाज पोजीशन ऑन द रिसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में कैसा इंडिया ने रोल प्ले किया है, इराक के साथ कैसा ये रिलेशन है, फिर वेस्ट एशिया के साथ कैसा रिलेशन है, ये जो ग्रोइंग रिलेशन है US के साथ और इसराइल के साथ, तो वो कैसे ग्रो हुआ, क्या रिलेशन डेवलप हुआ, कौन सी अलाइज किया है, जैसे कि USA और जो इंडिया है वो ये ज्यादा है ना US की तरफ इंक्लाइंड है, फिर इसराइल की तरफ इंक्लाइंड है, और अभी इंडिया और US और इसराइल ने मिलकर के ITU2 भी बनाया है, तो ये सारे कैसे काम करेंगे। और फिर ये जो विजन है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो कैसे काम करेगा, उनका विजन क्या है, वो किस पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे, क्या क्या एजेंडा है उनका वो देखेंगे। तो ये सारा कुछ हमने कवर किया, ये पेपर 2 भी और पार्ट 1, और ये जो है सेक्शन 1, और तो ये हमने कवर किया ये सारा कुछ पेपर 1 और 2, और उसका जो है सेक्शन A B पेपर 1 का और सेक्शन A और B पेपर 2 का, तो यही है इसमें। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, सिलेबस को गो थ्रू कीजिए और एनालाइज कीजिए कि कहाँ सही में, और बाकी GS पेपर का भी, जैसे अभी मैं GS पेपर 2 स्टार्ट करूंगी तो उसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, और फिर मैं स्टार्ट करूंगी NCERT से, तो फिर वो आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ ये टैली करता है PSIR से। तो आप इसको गो थ्रू कीजिए, देखिए, और उसके बाद जब मैं
PSIR का लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगी, तो वो आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैंने दो तीन जगह से, जो दो तीन रिसोर्सेज हैं रेलेवेंट रिसोर्सेज, वहां से ये सबको मिला करके कंसोलिडेट किया है, ताकि कुछ भी पॉइंट बचे नहीं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो इसीलिए सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको देखिए, फॉलो कीजिए, और बाकी भी जो इससे रिलेटेड जो IR के वीडियोस है वो आप लोग देख लीजिए। और जो मैंने अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स का है ना, ये बहुत सारे जो Part 1 Part 2 Part 3 जो विजन मैगजीन का लिया है, और वीडियो आप उसको भी देख लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में इसी से रिलेटेड चलती रहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो अगर आप वो सारा कुछ देख लेंगे, तो PSIR जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और जैसे आज मैं ये करंट अफेयर्स का Part 3 भी डालूंगी, तो उसमें मैंने डिटेल में ये जो इंडिया एंड मालदीव्स का अच्छे से पूरा डिस्कस किया है, और यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसको भी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।